अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन ब्रेड विदाउट ओवन। अगर आप भी विदाउट ओवन इतनी बेहतरीन चिकन ब्रेड बनाना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप किए बगैर लास्ट तक देखिए। सबसे पहले डो की तरफ आते हैं। इसके लिए मैंने आधा कप गर्म पानी लिया है, एक चम्मच चीनी, आधा चम्मच नमक। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसमें मैं एक ड्राई ईस्ट डालूँगी। इसको मिक्स करके साइड कर दूँगी 10 या 15 मिनट्स के लिए। अब मैं अपना डो तैयार करती हूँ। डो के लिए मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है। इसे अच्छे से छान लेंगे। अब मैं इसमें ईस्ट डालूंगी। अब इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। इसके बाद मैंने आधा कप दूध लिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक अंडा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप नहीं खाना चाहें तो स्किप कर दें। इसमें मैं ऑयल या घी या बटर, आपको जो अच्छा लगे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसका एक स्मूथ डो तैयार करूँगी। अब इसे मैं एक अलग बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी और इसे मैं 30 से 15 मिनट्स के लिए रेस्ट के लिए रख दूँगी। इसके बाद अब हम चलते हैं फिलिंग की तरफ। सबसे पहले मैंने ऑयल डाला। अब इसमें मैं चिकन डालूंगी। चिकन को तब तक फ्राई करूंगी जब तक ये इसका कलर चेंज ना हो जाए। इसके बाद मैंने एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और इसको अच्छे से पकाएंगे। एक चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड करूंगी, एक चम्मच ब्लैक पेपर, एक चम्मच कर्ड, एक चम्मच लेमन जूस ऐड करूंगी और स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। अब इसमें एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब इसमें पानी ऐड करके इसको थोड़ा सा इसको गलने के लिए तक पकाएंगे। अब इसमें मैंने कुछ वेजीज काट के रखे हैं, जैसे शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज। इसको डालकर अच्छे से इसको पकाएंगे, थोड़ा ये सॉफ्ट हो जाए। देखिए जी, आप मसाले अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो मिर्ची और ऐड कर लें। अब ये हमारा रेडी हो गया। अब आते हैं अपने डो की तरफ। देखिए जी, मैंने इसे पंच किया। इसे अच्छे से गूंथ लेंगे ताकि इसके जो बबलिंग है वो ख़त्म हो जाए। इसे मैं कट कर दूंगी 3 भागों में। अब मैं इसे बेल लूंगी अच्छे से। इसे नॉर्मली अपनी रोटी के जैसा बेलना है। देखिए जी, मोटाई आप जैसे रोटी की होती है ना, वैसे ही रखना है। अब मैं इसे रेक्टेंगल शेप दूंगी। थोड़ा मेरा रोटी मोटा हो गया था, मैं इसे थोड़ा सा और बेल के पतला कर रही हूँ। ज़्यादा मोटा हो गया था। आप नॉर्मल रोटी जैसे हम लोग बनाते हैं घर पे, उतनी मोटाई आप रख सकते हैं। अब इसे मैं चारों तरफ से अच्छे से बराबर कट करूँगी ताकि ये रेक्टेंगल शेप ले ले। अब मैं इसे एक साइड में कट लगाऊंगी और एक साइड नहीं, क्योंकि एक साइड में मैं फिलिंग भरूंगी। देखिए जी, मैंने चारों में कट लगा लिया अच्छे से। अब मैं अपने तैयार की हुई फिलिंग को इसमें ऐड करूंगी। अपने मुताबिक कम या ज़्यादा भर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं इसे देखिए जी ऐसे उठाकर दोनों साइड से इसे लॉक करूंगी ताकि इसकी जो फिलिंग है वो बाहर आए नहीं, और इसे मैं ऐसे रोल घुमा दूंगी। देखिए जी, ऐसे
बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको भी। मैं सारे को ऐसे ही कर दूंगी, ऐसे ही रोल घुमा घुमा के। प्लेट पर मैंने एल्युमिनियम फॉइल लगा रखा है, अब इस पर मैं एक एक उठाकर इस पर रख दूंगी। थोड़ी दूरी पर रखेंगे ताकि, क्योंकि ये जब पकेगा तो ये फूलेगा। अब इस पर मैं अंडा स्प्रेड करूंगी। देखिए जी, आप डो में अंडा डालें या ना डालें, पर यहाँ पे इसके ऊपर लगाना ज़रूरी है, ठीक है जी। इससे कलर अच्छा आता है, फिर से खास्ता भी बनता है। अब इस पर मैं ग्रेटेड चीज़ ऐड करूँगी। इसके बाद मैं इस पर कलौंजी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो सफ़ेद तिल भी लगा सकते हैं। इसके बाद मैंने जो वेजेस काट रखे थे उसमें से इस पर मैं रख रही हूँ ताकि थोड़ी सुंदर दिखे ये। अब मैं एक भगोना चढ़ा रखी हूँ, उसमें मैंने रेत डाल रखा है, स्टैंड लगा दी हूँ। अब इसको मैं रख के इसे 20-25 मिनट्स पकाएंगे। आप भी इसे अपने घर पर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि कैसा बना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।